नमस्ते, मेरे शाहोजी सुस्वादु चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीका से एक पकोड़ा बना के दिखाऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट एवं आसान भी है और थोड़ा सा सामग्री में ही बन जाता है। ऐसा होता है कभी आपको मन में हुआ थोड़ा चटपटा खाने के लिए और घर में अंडा रह गया, तो क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से ये अंडा पकौड़ा बना लीजिए। 6 अंडा को थोड़ा सा नमक देके बॉईल कर लिया। इसमें अंडा बॉइलिंग के टाइम फट नहीं जाता है। 1 छोटा चम्मच करके जीरा धनिया पाउडर को थोड़ा सा ही भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। 1 कटोरी में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और भुने हुए जीरा धनिया पाउडर देके थोड़ा सा 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर और नमक 1/2 छोटा चम्मच दिया। आप स्वाद अनुसार लीजिए। 6 बड़ा चम्मच बेसन दिया। देके सारे पाउडर सामग्री को अच्छे से मिलाने के बाद 1/2 कप पानी देके इसको अच्छे से घुल के एक बैटर बना लेंगे। बहुत अच्छे से घुल के इतना सा कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा बैटर को। अंडा बॉईल होते होते ये सब काम कर लिया। अभी अंडा बॉईल हो गया, थोड़ा ठंडा करके इसको छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद थोड़ा सा पानी में धो के 1 थ्रेड के सहायता से ऐसा करके अंडा को फाड़ लेंगे। कितना आसानी से देखिए अंडा फाड़ गया। अगर आप चाकू से अंडा को फाड़ेंगे तो क्या होगा, चाकू के अंदर इसका अंदर का यॉग निकल के आएगा। तो ऐसा करके थ्रेड के सहायता से करने में ये नहीं हो पाता, अच्छे से डिवाइड कर सकते। बैटर के अंदर दे के अंडा को 1 छोटा सा कढ़ाई में तेल डाल के डीप फ्राई कर लिया। मीडियम और लो फ्लेम में इसे फ्राई करना पड़ेगा। एक एक करके बैटर के अंदर दे के उठा के फ्राई करेंगे। अगर कढ़ाई का साइज ज़्यादा बड़ा होगा या पैन बड़ा होगा तो उसमें आप 3-4 एक साथ दे सकते, लेकिन छोटा कढ़ाई या पैन में फ्राई करने से 1-2 दीजिए। उससे ज़्यादा देने से एक के साथ और एक लग जाएगा, तब दिक्कत होगा इसे तोड़ने में। और मैं प्रेफर करती हूँ छोटा कढ़ाई और जिसका डेप्थ ज़्यादा है, क्योंकि छोटा कढ़ाई होने से थोड़ा सा तेल में ज़्यादा फ्राई हो पाता है, उसका डेप्थ अगर ज़्यादा हो तब। ज़्यादा तेल में बार बार करके इसे फ्राई करने में तेल के अंदर फ्री रेडिकल्स चला जाता है, इसे हमारा इम्यूनिटी को हार्म करता है। इसलिए कोशिश कीजिए छोटा सा कढ़ाई में जिनमें डेप्थ ज़्यादा है, ऐसा कोई पैन या कढ़ाई में आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए। देखा कितना सा टिप्स आपको साथ शेयर कर लिया मैंने आज। 3 एक अंडा नहीं फटेगा अगर नमक देके बॉईल कीजिए तो, और 2 अंडे को थ्रेड से काटना, और 3
छोटा सा डेप्थ वाला कढ़ाई में फ्राई करना। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक दे के थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस या चिली सॉस के साथ इसे सर्व कीजिए। घर में अगर कोई गेस्ट आए तो इसे बना के देने से खुद का भी आनंद लगता है, क्या कुछ अच्छा चीज़ किसी को खिलाई हो। खुद भी बना के खाइए। और मैं आप लोगों पे ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आप सब ने मेरे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब किए हैं।